ये बोर्ड देखिए, हम लोग एयरफोर्स स्टेशन डिगारू क्रॉस करके आए हैं। से हाय। हाँ, तो आज संडे है, 5 फरवरी। हम लोग अभी निकले हैं, जाएंगे डिगारू की तरफ, और ऐसे एक रास्ते से जाएंगे मतलब जंगल होके, आर्मी कैंप है वहाँ पे। आर्मी कैंप को क्रॉस करके और फिर जाना है। वो बहुत ही अनकॉमन सा रोड है, गुवाहाटी से डिगारू अराउंड 50 किलोमीटर्स, 45-50 किलोमीटर्स। उस रास्ते से आज एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे, तो जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। राइट साइड को अगर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड को अगर देखेंगे आप, तो मतलब ये सब ट्रीज से ना बहुत अच्छा अच्छा वुड निकलता है, फॉरेस्ट एरिया है मतलब। तो यहाँ पे एक बंगलो भी है, थोड़ा सा मतलब रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पे हाथी उती निकलता है। स्पीड लिमिट दिया है 40 किलोमीटर, और सामने अगर आप देखेंगे तो KM9 नेस दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, रात को भी आ चुके हैं, भाई का फैमिली और मेरा फैमिली आ चुका है। KM9 में हम लोग आते थे, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट में कभी रात को बाहर खाना हुआ तो आ गए, तो इतना दूर है मतलब। अभी हम लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं पहाड़ के बीच में से होके रास्ता निकल रहा है, वेरी नाइस सीनिक ब्यूटी। तो अगर आपको डिगारू जाना है, डिगारू एक बहुत बड़ा सिटी ऐसा कुछ नहीं है, टाउन है छोटा सा, वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है ऐसा भी कुछ नहीं है, पर द ड्राइव यू विल रियली एन्जॉय, यू विल मतलब एन्जॉय द, यू विल हैव द प्लेजर टू ड्राइव इन दिस रोड, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, और बहुत शांति वाला रोड है, ट्रैफिक है नहीं, तो यू विल रियली एन्जॉय। गाड़ी लेके कभी फैमिली को लेके इसी रास्ते से डिगारू जाइए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये रास्ता जो है आप देख रहे हैं, खेत खलियाल गांव से होके निकलता है, और आपको एक बात बता दूं, ये सारे साइड में जो आप पीला पीला सा वो देख रहे हैं ना, तो ये है धान की खेती, मतलब पैडी। यहाँ पे धान की कटाई होती है नवंबर दिसंबर में, तो अभी इसलिए सारा सूखा सूखा पड़ा हुआ है। मैक्सिमम लोगों को, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ये रास्ता एग्जिस्ट करता है और ये रास्ता डिगारू में जाके मिलता है, तो इसलिए आप देखेंगे रास्ता पूरा बिल्कुल खाली है, मतलब व्हीकलर मूवमेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट नील है। अब देखिए ये गांव है, और रास्ता बहुत ही थोड़ा नैरो है, पर बहुत ही मतलब पॉलिश्ड एंड नाइस रोड। मैं आपको बता दूं ये रास्ते में कैसे आते हैं। गुवाहाटी का आपने 6 माइल देखा होगा, 6 माइल से VIP रोड आपको पकड़ना है, VIP रोड पकड़ के सातगांव पकड़ना है, सातगांव के तरफ जाना है। सातगांव में आर्मी कैंटोनमेंट जब आप क्रॉस करेंगे तो सीधा ये रास्ता शुरू हो जाता है। यहाँ पे जब आप आर्मी कैंटोनमेंट क्रॉस करके थोड़ा चाय बगीचा वगीचा ये सब क्रॉस कर लेंगे, तो थोड़े दूर आके अराउंड 15 किलोमीटर्स आके यहाँ पे डिगारू एयरफोर्स स्टेशन भी शुरू हो जाता है। वेरी नाइस प्लेस एंड वेरी नाइसली मेंटेन्ड, और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ 90% गुवाहाटी के लोगों ने ये जगह एक्सप्लोर नहीं किया होगा। ये बोर्ड देखिए, हम लोग एयरफोर्स स्टेशन डिगारू क्रॉस करके आए हैं। तो हम लोग आ जाए हैं दिहिंग पटकाई, एक ढाबा टाइप है, ढाबा कम फैमिली रेस्टोरेंट, और ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास। बहुत नाइस अरेंजमेंट है, ऐसा आप आउटडोर बैठ सकते हैं। अब देखेंगे, वेरी नाइस लॉन टाइप। यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है। सो This is the small children park. ये जो देखो ऐसे गेलो, बोलो कुछ बोलो, ऐसे गेले। अच्छा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये बीवी अभी तक बच्चों के साथ व्यस्त थी,
अभी फ्री हो पाई, बोलो कुछ, कैसा लगा आके? बहुत अच्छा है। जगह कैसा है? बहुत नेचुरल सा है ना? हाँ भाई सेनापति, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, क्या क्या नाम है? दिहिंग पटकाई। खुद ही लेके आए, खुद ही भूल गया। बोलो दिहिंग पटकाई के बारे में कुछ। बहुत ही अच्छा प्लेस है, नेचर के साथ है। हाँ बहुत ही अच्छा लगे, फैमिली के साथ आप आ सकते हो। हाँ पूरा फैमिली के जैसा, आने जैसा, आने लायक है, आने लायक है। हाईवे के एकदम ही पास है। ये मेरी बेटी रो रही है क्योंकि खेलने में रोका गया, गिरने वाली थी ना। सिगरेट तो पैकेट पानी लो ना, मैं तो बिना टाइप के लो इंडियन में पैकेट था। बोल जाओ मोशो लवे। अभी क्या है कि पिछले वीडियो जो डाला था मैंने, बहुत लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि आप इंटरेक्टिव नहीं बनाते हो और सिर्फ खुद ही बात करते हो। तो अभी क्या है कि आप लोगों को बात करना है, ठीक है ना? अभी आप बताओ कैसा फीडबैक दो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी इस जगह में आना चाहिए। अभी बताएंगे कौस्तुब जी, बताएंगे अभी इस जगह के बारे में, ओवरव्यू देंगे आप लोगों को। तो कीप वॉचिंग इस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है कि अलग अलग जगह जाए और उसका वीडियो अपलोड करे, ताकि हाँ। आप लोगों को पता चलता रहे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वीकेंड कैसे स्पेंड करना है, थिंग्स लाइक दैट, है ना? बीवी बड़े देर से कुछ नहीं बोली है, अभी बीवी बोलेगी। ये देखो, बोलो कुछ। हेलो। हेलो से सिर्फ नहीं चलेगा, और भी कुछ बोलना है। जगह कैसा लगा? बहुत अच्छा। और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हाँ आप लोग भी कभी आइए यहाँ पे। हाँ लंच कीजिए, डिनर कीजिए, और फैमिली के साथ भी आ सकते हैं ना? फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, आपका जैसा मर्जी है, वैसे भी आ सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके भी आ सकते हैं, नहीं? खाना बहुत ही अच्छा था, एक क्लास खाना, और बाकी सारा चीज़ अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, और खाना लाजवाब था, ठीक है? वेरी रीजनेबल रेट। मैं बिल अपलोड कर दूंगा ताकि आपको देख के पता चले कि कैसा खाना है, क्या क्या हम लोगों ने खाया, और प्लस दाम कैसा है, रीजनेबल है कि नहीं। ओपन स्पेस है, कॉटेजेस है बैठने के, और स्टेज भी है, अगर आप बर्थडे या ऐसा कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो सारा चीज़ सेलिब्रेट हो जाएगा। तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और सबसे बढ़िया बात बच्चों को जो अच्छा लगेगा वो ये कि आप इधर से अगर आएंगे और इधर आएंगे तो यहाँ पे ना आपको एक पिंजरा मिलेगा जिसमें खरगोश है, बहुत सारे खरगोश है। इधर थोड़ा जूम करना, ये देखिए यहाँ पे खरगोश है, और बच्चों को ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। सो आप यहाँ पे ला सकते हैं अपने बच्चों को टाइम स्पेंड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे खरगोश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं दूसरा जगह जाऊँगा और वीडियो भी बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।